आपके साथ हिमानी नैथानी और लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश एनकाउंटर। कई दिनों के बाद कई सारे विवादों के बीच आज संवाद के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे राज्य और देश के सामने आए। कोरोना से लेकर किसानों तक कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र सरकार के जिन फैसलों की तगड़ी आलोचना हुई, जिन फैसलों के लिए महाराष्ट्र सरकार की बदनामी हो रही है, उसे वो महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र की बदनामी करार दे रखे हैं। ना अपने चहेते शिव सैनिकों के हाथों एक पूर्व सैन्य अधिकारी की पिटाई पर उन्होंने कुछ कहा, ना ही तोड़फोड़ के मामले में जिस तरह से भेदभाव करने वाली जो बीएमसी है उस पर कुछ कहा। हाँ, बस ये बता दिया कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आज एनकाउंटर में हम कुछ ऐसे ही सवाल करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो ये कि सरकार की बदनामी को सियासी फायदे के लिए पूरे महाराष्ट्र की बदनामी करार देने की आखिर क्या जरूरत थी उद्धव ठाकरे को। दूसरा सवाल, पूर्व सैनिक से शिव सैनिकों की गुंडई से महाराष्ट्र की बदनामी आखिर कैसे हो गई। कंगना का घर तोड़ने वाले बीएमसी के एक्शन से महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र की बदनामी कैसे हो गई। चौथा सवाल, सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच की गलत दिशा से पूरे महाराष्ट्र की बदनामी कैसे हो गई। पांचवा सवाल, बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट पर कार्रवाई ना करना, पूरे महाराष्ट्र की बदनामी आखिर कैसे हो गई। यही तमाम सवाल जो है वो हम यहां पर कर रहे हैं। दरअसल साफ तौर पर बदनामी तो महाराष्ट्र सरकार की हुई है और अपने सरकार की बदनामी को छिपाने के लिए राज्य को ढाल बनाने की उद्धव की दरअसल ये चाल है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, उद्धव सरकार के खिलाफ राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं इस वक्त कंगना रनौत। जी हां, आपको बता दें कि 4:30 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया था, वो वक्त जो कंगना रनौत ने लिया था राज्यपाल से। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, कंगना रनौत की निकल चुके हैं वो अपने घर से। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि बीएमसी की ओर से एक और नोटिस जो है वो थमा दिया गया है कंगना रनौत को। इसी खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है। हर्षा, निकल चुकी है कंगना अपने घर से राज्यपाल से मुलाकात के लिए। जी हिमानी, जी बिल्कुल हिमानी, कंगना रनौत अपने घर से निकल चुकी है और किसी भी वक्त वो यहाँ पर राजभवन में पहुंचेगी जहाँ पे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से उनकी मुलाकात होनी है। मैं आपको पीछे तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, कैसे सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हो गई हैं क्योंकि किसी भी वक्त कंगना पहुंच सकती हैं। उनके घर से मालाबार हिल्स जहाँ पे राजभवन है वो रास्ता महज 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। किसी भी वक्त कंगना आ सकती हैं और जो उनके साथ उनके दफ्तर पर जो बीएमसी ने कार्रवाई की, जो तोड़फोड़ की, उसको लेकर के यहाँ भगत सिंह कोश्यारी से बातचीत करेंगी कि महिला होने के नाते जिस तरह के अपशब्द भी उनके खिलाफ यूज किए हैं संजय राउत ने, शिवसेना ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स शिवसेना अपनाई हुई है, उन तमाम चीजों को लेकर के भगत सिंह कोश्यारी से कंगना रनौत मिलेंगी और अपनी बात रखेंगी कि किस तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह से एक इंडिपेंडेंट तौर पर उनको जीने देना चाहिए वो शिवसेना उनका जीना दूभर कर रही है। बात बात पर कभी अवैध निर्माण घर का, कभी अवैध निर्माण दफ्तर का, ये तमाम चीजें बीएमसी उठा रही है। और आज अवैध निर्माण उनके घर पर अवैध निर्माण को लेकर के बीएमसी ने दोबारा नोटिस दिया है कि जो घर पे अवैध निर्माण है वो दफ्तर पे अवैध निर्माण से भी ज्यादा है। और देखिए 22 सितंबर तक सुनवाई का भी बीएमसी ने वेट नहीं किया, आज एक नया नोटिस फिर से थमा दिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी कंगना रनौत, अपनी बात रखेंगी और यहाँ पे वो एक मैसेज भी देना चाहती हैं शिवसेना को। कहीं ना कहीं कंगना रनौत एक मैसेज देना चाहती हैं कि सरकार के लोग भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ शिवसेना भले साथ ना खड़ी हो लेकिन शिवसेना अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है। वो हर उस प्लेटफॉर्म तक जाएंगी जहाँ पर उनको सपोर्ट मिल सके, जहाँ पर शिवसेना जो कार्रवाई कर रही है उसको किसी भी हद तक किसी प्लेटफॉर्म पर रोका जा सके। इसीलिए वो गवर्नर के संज्ञान में सुपुरी बातें लाना चाहती हैं कि उनके साथ महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। वो बतौर फिल्म एक्ट्रेस, बतौर महाराष्ट्र की नागरिक, बतौर कि जी जी मानी बिल्कुल। लेकिन हर्षा, ये तो वो बात हो गई कि बीएमसी ने क्या किया या महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है या संजय राउत ने उनको क्या कहा या उद्धव सरकार उनके खिलाफ क्या कर रही है। लेकिन यहाँ राज्यपाल से जब मिल रही हैं तो उन्हें राज्यपाल को यह भी बताना होगा कि भाई जो उन्होंने वो ट्वीट किया था ना, मुंबई को पीओके जैसा बता दिया था या वहां के हालात जैसा बता दिया था, तो आखिर वो किन परिस्थितियों में किया गया उसका भी जवाब उनको देना होगा।
बिल्कुल हिमानी, देखिए कंगना रनौत ने पीओके क्यों कहा, किस वजह से कहा, उन्होंने मुंबई पुलिस को किस वजह से कहा कि मुंबई पुलिस उनको सुरक्षित नहीं लगती है, ये तमाम सवाल भगत सिंह कोश्यारी के मन में भी है। गवर्नर उनसे ये बात पूछेंगे कि आपने इस तरह का ट्वीट क्यों किया, लेकिन अगर हम देखें शुरुआती टाइम में जिस वक्त बीएमसी ने दफ्तर में उनकी कार्रवाई की थी, भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से भी निंदा की गई थी बीएमसी के एक्शन को लेकर के। गवर्नर अपनी तरफ से किस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं, गवर्नर क्या आश्वासन देंगे अपनी तरफ से, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कंगना कुछ ही सेकेंड्स में यहाँ पर पहुँचेंगी, सीधे अंदर जाएंगी। कंगना कोई बयान देंगी कि नहीं, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। गवर्नर से अपनी मीटिंग को लेकर के कंगना ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्वीट करेंगे, वीडियो डालेंगे, यही कहा जा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि उन्होंने जो ट्वीट्स इनिशियल तौर पर किए थे उसको लेकर के भी उनको गवर्नर को सफाई देनी पड़ेगी। आखिरकार उन्होंने पीओके से कंपेरिजन क्यों किया, मुंबई पुलिस को उन्होंने असुरक्षित क्यों बताया अपने लिए, और साथ ही साथ जो बीएमसी कार्रवाई हुई है उस पर भगत सिंह कोश्यारी का क्या कहना है, वो किस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं, वो किस तरह से सरकार को अगर उनकी तरफ से कुछ इंटरवीन करना है तो वो किस तरह से इंटरवीन कर सकते हैं अपनी तरफ से बतौर गवर्नर, क्योंकि गवर्नर जिस पोजीशन पे है ऐसे में वो पूरी निगरानी रखे हुए इस पूरे मैटर पे, कंगना वर्सेज शिवसेना जो कुछ हो रहा है मुंबई में उस पर गवर्नर की भी पैनी नजर है मानी। निश्चित रूप से, और गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी वो पहले ही अपना जो स्टैंड है या जो भी बात है वो क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बीएमसी ने जो कुछ किया वो ठीक तो नहीं था, लेकिन कितना वक्त लगेगा हर्षा कंगना को वहां पहुंचने में, क्योंकि 4:30 का वक्त है। देखिए कुछ ही समय बचा है कंगना को निकले हुए, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि और भी ज़्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है और भी ज़्यादा मुस्तैद हो गई हैं, जो अब तक राजभवन के बाहर तक डिप्लॉयड थी वो अब जो पूरा स्पेस है उसको खाली कराने में लगी हुई हैं कि पूरे रोड को क्लियर कराया जाए, वकेट कराया जाए, जिससे कि उनकी गाड़ी बहुत आराम से आ सके। और देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, मैं आपको दिखाऊँ कि कंगना किसी भी वक्त आ सकती हैं, जिस भी वक्त कोई गाड़ी आ रही है तो पहला सबका फोकस यही होता है कि कहीं वो कंगना तो नहीं आ रही हैं। देखिए पूरे रोड को किस तरह से क्लियर कर दिया गया है, कंगना की मीटिंग भगत सिंह कोश्यारी से बेहद इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, और तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं कंगना 10 मिनट पहले निकली थी अपने घर से, अभी पहुंची नहीं है, ये इस गाड़ी में हिमानी कंगना मौजूद नहीं थी, लेकिन कंगना किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकती है क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं उनको अपने घर से निकले हुए मानी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए हर्षा, हम लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी हर्षा चांदवानी हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ी हुई हैं, पल पल की अपडेट्स दे रही हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत जिस तरह से पूरा महाराष्ट्र सरकार और उनके बीच एक विवाद चल रहा है उसे लेकर क्या कुछ रहा, किस तरह से रहा, और जाहिर सी बात है ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो अपना घर या जो भी डैमेज उनका हुआ है वो ठीक हो पाए, ये भी कोशिश होगी कि वहां पर राज्यपाल के सामने ये बात वो रखें, और साथ ही जो तमाम चीजें हो रही है वो राज्यपाल भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन तमाम चीजों को उनके आगे रखा जाएगा। लेकिन इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निगम साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ शिवसेना समर्थक राजपूत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगे कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा हमारे साथ होंगे, बीजेपी की ओर से अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त, विनय कुमार सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ होंगे, आकाशदीप साबीर जो कि निर्माता और निर्देशक हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और इनके अलावा हर्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा आप ही से राजपूत साहब, आज इतने दिनों बाद मुख्यमंत्री मुखातिब जरूर हुए राज्य से, या देश की पूरी जनता जो है वो भी उनको देख रही थी, सुन रही थी, लग रहा था कि शायद वो कुछ कहेंगे जो भी कुछ हुआ पिछले इतने दिनों में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, आगे आके ये जरूर कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कौन कर रहा है ये, पहले तो मैं जानना चाहूंगी क्या तात्पर्य था उनका इससे, और पूरे महाराष्ट्र को कैसे वो इसमें लेकर आ गए, क्योंकि बात तो महाराष्ट्र सरकार की हो रही है ना। जी हिमानी जी, जिस प्रकार से माननीय उद्धव ठाकरे जी ने साफ कहा है कि जो राजनीति हो रही है, जो भी हो रही है वो बिल्कुल मेरे को मालूम है क्या है, लेकिन मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। अच्छा। तो बिल्कुल जो वो इस समय कुछ नहीं कह रहे इस बारे में, क्योंकि बहुत सारी इस समय महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, वहां पर कई समस्याएं थी, किसानों की समस्या थी, और दूसरा आपके बाढ़ के पीछे काफी आप देख रहे थे किस प्रकार से हालात थे, और कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र संक्रमित है, तो कई चीजें थी जिसको उद्धव ठाकरे जी ने साफ कहा है इस चीज को, और ये चीजें भी जो संज्ञान में है उनके वो बिल्कुल इसको भी सामने लाएंगे, और इस पे उन्होंने साफ कहा है कि इसको मेरी कमजोरी ना समझा जाए, और जिस प्रकार से राजनीति कुछ लोग करना चाह रहे हैं, इस चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र को बदनाम करना चाह रहे हैं, और जो जो इससे फायदा उठाना चाह रहे हैं वो कृपया इससे दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा।
और जिस प्रकार से अब ये छोटा सा एक मामला जो खड़ा कर दिया जाता है, फिर उसके बाद रोज एक नया मामला खड़ा कर दिया जाता है और एक नई रोज एक एक परेशानी पैदा कर दी जाती है और उसके बाद उस पर फिर शुरू हो जाता है तो सारा मीडिया। तो पूछ रही हूं मैं आपसे कि ये कौन कर रहा है, ये रोज नई परेशानी कौन पैदा कर रहा है, कौन है ये लोग? ये बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आपको ये भी सामने आ रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो जो लोग बोल रहे हैं वो आप समझ ही जाइए, पूरा देश जानता है वो कौन है। नहीं नहीं, तो सर सरकार क्या कर रही है, मैं यही तो समझना चाह रही हूँ ना आपसे कि महाराष्ट्र सरकार जो तमाम मुद्दे आपने गिनाए, आप चलिए किसानों की बात आपने तो की, उन्होंने तो नहीं की, लेकिन चलिए आप जब लेकर आ रहे हैं इस बात को, तो काम किसका है, काम किसको करना है? जो चुनी हुई सरकार है उसी को करना है ना सर? सर जो चुनी हुई सरकार है उसी का काम है ना, उसी को करना है, ठीक है ना सर? क्योंकि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं ना सर, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए इस समय बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, और उसके बावजूद हमारे जो सहयोगी दल थे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी वाले, वो बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल सोच नहीं रहे वहां पे कितनी बड़ी वो परेशानियां चल रही हैं, फिर भी वो अपनी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। तो अच्छी बात नहीं है, कर रहा है यही तो समझना चाह रही हूँ, क्यों ना माना जाए कि अपने सियासी फायदे के लिए पूरे महाराष्ट्र को आप इस पे घसीट कर ला गए। बात तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की हो रही है, महाराष्ट्र पुलिस की हो रही है, बीएमसी की हो रही है। देखिए बीएमसी अपनी कार्यवाही अपने आप कर रही है, उसको मतलब जरूरत आवश्यकता नहीं है कि वो महाराष्ट्र सरकार के पास एक एक एफआईआर लेके जाए, इसने पॉकेटमारी करी, इसने ये करा, इसने रोड पे दंगा किया, इसने गाड़ी ठोक दी, तो मतलब आप क्या सोच रही है कि हर एफआईआर को लेके मुंबई पुलिस पूछती है उद्धव ठाकरे जी से कि अब क्या करना है इसका, या फिर बीएमसी पूछती है कि इसने छज्जा बाहर बढ़ा दिया? उद्धव ठाकरे तो पूछ सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे तो पूछ सकते हैं, उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे तो पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं वो तो पूछ सकते हैं कि भैया ये चल क्या रहा है, उनके संज्ञान में भैया ये चल क्या रहा है। देखिए देखिए उनके संज्ञान में सब चीजें हैं, हमने उनकी निंदा करी है, जो लोग भी सर बस निंदा कर देना काफी है, उनपे नहीं नहीं बस निंदा कर देना कार्यवाही होगी, हिमानी जी उनपे कार्यवाही होगी, इस पर स्पष्ट कह दिया है अनिल सिंह जी, राहुल जी ने स्पष्ट कह दिया है अनिल सिंह जी। अगर सीधा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने की दरअसल कोशिश हो रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, बार बार तमाम जो नए नए मुद्दे हैं वो लेकर आए जा रहे हैं, जबरदस्ती लेकर आया जा रहा है, कौन लोग हैं सीधा आरोप लगा रहे हैं आप पर? देखिए मुझे समझ में नहीं आता कि उद्धव ठाकरे साहब और उनके जो शिव सैनिकों की फौज है वो इतना इनसिक्योर क्यों महसूस कर रहे हैं, क्यों उनको लग रहा है कि अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए तो उन्हें डर लग रहा है कि शायद लग जाए। क्या आपकी सरकार इतनी कमजोर है, क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके जो दो को पार्टनर्स हैं सरकार चलाने में वो आपका आपको धोखा दे सकते हैं, या आपको लग रहा है आपके खुद के विधायक आपको धोखा दे सकते हैं? तो कमजोरी तो इनके खुद के अंदर है, बाहर वाला कुछ भी कहता है। जी अनिल सिंह जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कंगना रनौत इस वक्त पहुंच चुकी है राज्यपाल से मिलने के लिए। जी हर्षा, हर्षा हर्षा कंगना पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल हिमानी, देखिए कंगना का काफिला पहुंच चुका है, कंगना को वाई प्लस बिल्कुल बिल्कुल देखिए तस्वीरों में देखिए हिमानी आप, ये कंगना का काफिला है, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी की श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, और ये देखिए पीछे कंगना की गाड़ी, कंगना इसी बीएमडब्ल्यू की गाड़ी में बैठी है, उनके साथ बहन रंगोली चंदेल भी मौजूद है, और वाई प्लस सिक्योरिटी की श्रेणी में कंगना सीधे राजभवन के अंदर इस वक्त घुस गई है। हिमानी 4:30 का वक्त मुकर्रर किया गया था राज्यपाल से मिलने के लिए, टाइम से पहले ही कंगना पहुंच चुकी है, 4 बज रहा है अभी और कंगना रनौत पहुंच चुकी है। विजुअल्स आपने देखे काफिले के पूरे, कंगना रनौत पुलिस के साथ स्कॉर्ट करती हुई वाइपर श्रेणी की सुरक्षा के साथ ही राजभवन में एंटर की है, उनकी अभी बैठक जो है उनकी जो मीटिंग है गवर्नर से लगभग 15 से 20 मिनट में शुरू हो जाएगी, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के गवर्नर प्रोटोकॉल के तहत जो टाइम जो समय मुकर्रर किया जाता है उसी वक्त ही मीटिंग हो सकती है। कंगना समय से थोड़ा सा पहले पहुंची है, लगभग 15 से 20 मिनट बाद उनकी जो मीटिंग है गवर्नर से वो शुरू हो जाएगी। और हिमानी सिर्फ इतना ही नहीं, उनको नेपोटिज्म से लेकर के उन्होंने जो तमाम ट्वीट ड्रग एंगल को लेकर के, जांच को लेकर के, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम बताने को लेकर के, ये तमाम चीजों को लेकर भी जो ट्वीट किया था उसको लेकर के भी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से उनकी चर्चा होगी, क्योंकि पूरा नेक्सस है, पूरे देश की निगाह इस तरफ है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। ऐसे में गवर्नर अपने गवर्नर कंगना से ये बात पूछेंगे जो जिक्र है पूरे ड्रग एंगल को लेकर के, नेक्सस को लेकर के, कंगना किस तरह से मदद पहुंचा सकती है, इन तमाम एंगल्स पर भी आज दोनों के बीच चर्चा होगी। और सबसे बड़ी चर्चा जो होगी वो कंगना की सिक्योरिटी को लेकर के, कंगना ने जो तमाम ट्वीट किए हैं पीओके को लेकर के और मुंबई में सुरक्षित रहने को लेकर के, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा वही है जिस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो पूरा माहौल बना हुआ है, मुंबई में जो पूरा माहौल बना हुआ है शिवसेना वर्सेस कंगना, इस पर सबकी निगाहें
हैं क्योंकि आज मीटिंग का मेन अंश मेन पहलू यही होने वाला है कि आखिरकार कंगना वर्सेस शिवसेना जो कंगना बनाम शिवसेना हो गया वो क्यों है, किस तरीके से है, कंगना का उस पर क्या कहना है, कंगना किस तरह से कितनी टेंशन में है या फिर उनको कितना परेशानी पहुंच रहा है, कंगना अपनी बात रखेंगी क्योंकि शिवसेना की तरफ से भी कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है दिन ब दिन ट्वीट करने का, चाहे वो अनिल देशमुख ट्वीट बल्कि आज एक और जो नोटिस है वो भेज दिया गया है कंगना का जो कार वाला जो फ्लैट है उसे लेकर, मतलब ये लड़ाई यही नहीं थमने वाली। बिल्कुल, ये मुद्दा भी बहुत गर्म है अपने दफ्तर को। बिल्कुल हिमानी, अब ठीक कह रही है, लड़ाई नहीं थमेगी, इसीलिए बीएमसी ने उनका जो दफ्तर तोड़ा उसकी तो प्रॉब्लम्स वो रखेंगी ही कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको मौका नहीं दिया गया। और किस तरह से सेलेक्टिव यहाँ बीएमसी और शिवसेना नजर आई है, दूसरों को तो समय देती है लेकिन कंगना पे लगातार जो भी मौका मिल रहा है प्रहार कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि कंगना ने मदद करने की कोशिश की। जी 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 हिमानी, ठीक है हर्ष, आप नजर बनाए रखे और जरा भी अगर कुछ भी ऐसा कोई अपडेट होता है तो आप इशारा कीजिएगा, हम तुरंत आपके पास आएंगे। अनिला सिंह जी का वापस मैं रुख करती हूँ। अनिला जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं आप। जी, तो मैं केवल इतना यहाँ पे कहना चाह रही हूँ हिमानी जी, उद्धव ठाकरे जी को और उनके शिव सैनिकों को अपना घर संभालना चाहिए। आपका घर मजबूत है तो कोई भी नहीं ढा सकता है, कोई कुछ भी कहे। आज जो कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे हुआ है ये किसने किया? ये कंगना रनौत ने तो नहीं कहा किया, ये हुआ है शिवसेना की वजह से, शिवसेना के बड़े नेताओं की वजह से। अब इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर शुरुआत गिरबान में झांक कर देखे ना, यहाँ पर जो है एक बदले की भावना से जो है आप कार्रवाई करते हो। आपको इलीगल जो चीजें हैं केवल एक व्यक्ति विशेष के घर में ऑफिस में नजर आती हैं, बाकी जगह नजर नहीं आती हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले सोचने का विषय शिवसेना का है कि शुरुआत किसने की थी। अगर आप सही रास्ते पे होते तो शायद बात इतनी बढ़ती ही नहीं। अब आपको बहुत कष्ट हो रहा है कि कंगना रनौत जो है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री जी के लिए कर रही हैं वो गलत है, तो आपने जो किया वो क्या ठीक है? आप पर और ये बताइए, जो आपने एक एक्स नेवल ऑफिसर के ऊपर जो अटैक हुआ और उस पर जो क्लैरिफिकेशन इनके संजय राउत का आया है, क्या वो ठीक है? संजय राउत ने जिस भाषा का प्रयोग, कंगना रनौत एक महिला है, किया वो क्या ठीक है? जवाब ले लेती हूँ। राजपूत जी, वैसे मैं बता दूं कि विनय कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आकाशदीप सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपूत जी, आप जवाब दें, फिर उसके बाद मैं बाकी गेस्ट का रुख करूंगी। मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि बिल्कुल शुरुआत शिवसेना की तरफ से हुई है, ये तो कोई है ही नहीं। कोई इस प्रकार की बात पूरे देश को मालूम है। उन्होंने पीओ के सबसे शुरुआत करी है, कंगना जी ने पीओ के जो पाकिस्तान, तो सर हालात दिख नहीं रहे क्या वैसे? इस्तेमाल करा है जिस तरह से उपद्रव, आपके ये जो गुंडे उपद्रव मचा रहे हैं या जिस तरह से हर दिन नई नई चीजें देखने को मिल रही है, क्या हालात नहीं है क्या वैसे वाकई में? आप किसी का भी घर जाकर तोड़ देते हैं, आप किसी को भी घर से निकाल कर बाहर, आपके बॉक्सर्स वहां पर पहुंच जाते हैं, गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं, मतलब ऐसा करेंगे अब आप? गुंडे और फिर आप कह देते हैं कि पूरा मराठा, पूरा महाराष्ट्र, मतलब पूरा महाराष्ट्र और मराठों को लाने की क्या जरूरत, ये मराठा कार्ड खेलने की क्या जरूरत है आपको? नहीं हिमानी जी, गुंडे किसी के नहीं होते, किसी पार्टी किसी आपके तो है, ये गुंडे ही है। नहीं, ये गुंडे ही है कि किसी के घर पे घुस के उसे खींच के, और वो भी एक 65 साल के बुजुर्ग, वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी देश की रक्षा के लिए, ये सम्मान देंगे आप? अगर उंगली आप ऐसे उठा रहे हैं तो ऐसे तो बहुत कुछ है देश में। अच्छा, तो मतलब आपको आपको इसके लिए अनुमति है? नहीं, मैं मराठा विषय पे कुछ यहाँ पर बोलना चाहती हूँ हिमानी जी। जी जी, अनिला जी कुछ कह रही हैं। जी जी, जो शिवसेना के प्रवक्ता बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा इनसे एक प्रश्न है और इनके माध्यम से उद्धव ठाकरे जी की सरकार से ये प्रश्न है। अभी इनको मराठा 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 कर रहे हैं और फिर हमें लगता है कि किस प्रकार से ये अपमान कर रहे हैं ऐसे उन लोगों का जो दूसरे प्रदेशों से आकर इनके स्टेट की जो है इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। मैं पूर्वांचल से आती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की वासी हूँ। आप मुझे बताइए पुंज साहब, आपके महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में, हम यूपी और बिहार वालों का इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है?
और क्या हालात किए थे आपने हमारे माइग्रेंट लेबरर्स के? वो तो कह रहे हैं कि यूपी में अगर बोलते हैं आप, यूपी में अगर आप योगी जी का कार्टून बना दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ये कह रहे हैं किस प्रकार से आपने बिहार के उत्तर प्रदेश के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, हालात कर दी। आप देख रही है महिलाओं के साथ क्या हो रहा है मुंबई में, आप किस ना उनका रहने का इंतजार किया, ना खाने का इंतजार किया, ना जाने का इंतजार किया, और आप बात करते हैं केवल बाकी लोगों की कोई चिंता नहीं होती है, बाकी लोगों की कोई चिंता नहीं होती है। हाँ, आप इकॉनमी में मदद करते हैं, 24% कहाँ से आता है, कहाँ से आता है मुंबई का जो इकॉनमी का 24% का कंट्रीब्यूशन है वो मेरे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा आता है। चलिए ठीक है, लेकिन मेजर जनरल एसपी सिन्हा की बात तो आपको समझ आएगी राजपूंज जी, मेजर जनरल एसपी सिन्हा की बात तो आपको समझ आएगी, मैं उनको शामिल करना चाहूंगी। सर वो तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी ना, जब मदन जी की वो तस्वीरें वायरल हो रही थी, किस तरह से उनकी आंख पूरी लाल है, मुंह पूरा सूजा हुआ है, मतलब आप देखिए कि उनकी जान भी जा सकती थी। ये वो पार्टी है जो देशभक्ति की बात करती है, और ये देशभक्ति है, ये सैनिकों का ये सम्मान है सर। हिमानी जी, मुझे 1.5-2 मिनट का वक्त दीजिएगा। पहली चीज तो मैं कहूंगा कि जो वारदात हुआ है कमांडर शर्मा के खिलाफ, ये बहुत ही निंदनीय है, भयानक है, दर्दनाक है, और ये फौज के सम्मान और रिटायर्ड ऑफिसर्स वेटरन्स के सुरक्षा पे प्रहार है, पहली बात। दूसरी बात है कि क्या संदेश महाराष्ट्र सरकार दे रही है, संदेश दे रही है फौजियों को कि जब तक तो आप सर्विस में हैं तब थोड़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जब आप रिटायर कर जाएंगे तो आपको एकदम सुरक्षित नहीं है, आप पे जानलेवा हरकत हो सकता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब हम दुश्मनों से देश को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, लेकिन जब राज्य सरकार हमारे फौजियों को सुरक्षित नहीं रख सकती तो ये क्या संदेश जा रहा है? क्या इससे हिंदुस्तान की फौज पे मोराल पे असर नहीं पड़ेगा? एक और बिंदु मैं रेज करना चाहता हूं कि कमांडर ये बाला साहब, जिसको इनको मैं हिंदू सम्राट मानता हूं और बहुत ही सम्मान करता हूं, मैं अंतरात्मा से उनकी सम्मान करता हूं, ऐसा लौह पुरुष, ऐसा हिंदू के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, उनके पार्टी के लोग, और बाला साहब ने अपना जिंदगी कैसे शुरू किया, कार्टून बना के, वो कार्टून को अपना एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए, तो जो ये काम किए बाला साहब, जिनको मैं हिंदू सम्राट मानता हूं, उनके जो वंशज हैं वो कार्टून पे इतनी आपत्ति, और इस बेचारे ने क्या किया कमांडर शर्मा ने, इन्होंने खाली एक मैसेज फॉरवर्ड किया, कोई टिप्पणी नहीं की, कुछ बोला नहीं। देखिए कभी कभी हम लोग भी मोबाइल पे फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐसी कौन सी पहाड़ गिर पड़ी कि आप आदमी भेज के उनको बरवाते हैं, अपने घर से उठाते हैं और ठोक देते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? मैं अपने इस देश के राष्ट्रपति जी से, जो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सुप्रीम कमांडर हैं, सर्वे सर्वा पिता तुल्य हैं फौज के, और योर हिज एक्सेलेंसी भारत के राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक ऐसा फैसला लीजिए कि भविष्य में कोई राज्य सरकार फौज का तिरस्कार न कर पाए। हमको पता है कि बॉम्बे में जो स्मृति थी फौज की, उसको कैसे तोड़ा गया, बेंगलोर में किस तरह से फौजी लोग मीटिंग कर रहे थे, उस मूर्ति को तोड़ा गया, किस तरह से एक पार्टी का व्यक्ति करता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सड़क का गुंडा है, किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को फार्सियल स्ट्राइक कहा जाता है, किस तरह से बालाकोट में कहा जाता है कौए मरे थे, मतलब क्या ये मजाक हो रहा है इस देश में, ये क्या मजाक हो रहा है? यदि कानून का रक्षक कानून का भक्षक बन जाए तो क्या ये टॉयलेट करने वाली बात है? कानून का रक्षक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल। मैं आपकी बात का जवाब दूंगी सर। राजपूत जी, आप सुन रहे हैं, ये एक फौजी का दर्द है, और सिर्फ इसमें सिन्हा जी नहीं बल्कि ऐसे कई फौजी हैं जो आहत हुए हैं महाराष्ट्र सरकार के इस रवैये से, और आप अपने सरकार की नाकामी छिपाने के लिए पूरे महाराष्ट्र को, पूरे राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मराठा कार्ड यहाँ पर खेल रहे हैं, आपके जो मुख्यमंत्री है, मतलब लग रहा था कि शायद आके कुछ कहेंगे आज, ऐसा कि उनको लगा होगा शायद, पर ऐसा कुछ नहीं कहा। जवाब लूंगी मैं इसमें सिन्हा जी की इस बात का, मेरे साथ बाकी और मेहमान भी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, चर्चा हमारी जारी है। इस वक्त कंगना रनौत जो कि राजभवन में मौजूद हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। एक फटाफट से अपडेट हम हर्षा से ले लेते हैं। हर्षा, कोई अपडेट आप तक पहुंच पा रहा है क्या? लेकिन जिस तरह से आज
कंगना रनौत राजभवन तक पहुंची हैं या उनकी लड़ाई जिस तरह से राजभवन तक पहुंची है वो बता रही हैं कि सिस्टम तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो भी एक सिस्टम के तहत ही आते हैं, लेकिन हाँ सरकार से जिस तरह से उनकी लड़ाई है विश्वास नहीं है और इसीलिए वहां तक पहुंची हैं वो। हिमानी, देखिए हिमानी कंगना रनौत को पहुंचे 5 से 7 मिनट ही हुआ है, चूंकि बहुत प्रोटोकॉल है अंदर से अंदर जा करके लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे फिर अंदर जा करके वो जगह है जहाँ पे कोश्यारी रहते हैं, अंदर 2 किलोमीटर का रास्ता है। चूंकि अभी गई हैं कंगना तो बतौर प्रोटोकॉल उनका टेम्परेचर चेक होगा, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर उनको बैठाया जाएगा, फिर 4:30 बजे गवर्नर उनसे मिलने आएंगे। तो अभी जो मुलाकात में है मुझे लगता है मुलाकात शुरू होने में अब से 2 से 5 मिनट का समय और है, 5 से 7 मिनट बाद उनकी मुलाकात शुरू होगी भगत सिंह कोश्यारी के साथ जो गवर्नर है, जिनकी पैनी नजर इस पूरे मुद्दे पर बनी हुई है। हालांकि संवैधानिक पद है इसलिए गवर्नर ने अब तक कुछ ऐसा नहीं कहा है जिसको कि ये कहा जा सके कि कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने उनके दफ्तर पे की हुई कार्रवाई को लेकर निंदा जरूर की है। तो हालांकि अब जब निकलेंगी बाहर तब मीडिया से बात करती है कि नहीं कंगना, ये देखना होगा, क्योंकि अब तक जो पैटर्न देखा गया है कंगना का उसमें कंगना ने अभी तक जब से वो वापस आई है मनाली से एक बार भी मीडिया से कोई चर्चा नहीं की, सिर्फ ट्वीट के माध्यम से वीडियोज के माध्यम से ही बताया है कि वो आखिर क्या क्या कहना चाहती है। पूरा मीडिया का जमावड़ा यही है, हर कोई देखना चाहता है कि कंगना की मुलाकात गवर्नर से क्या हुई है, उसके मेन पॉइंटर्स क्या रहे हैं। हालांकि जो बैठक है लगभग आधे से पौन घंटे तक चलने की उम्मीद है, तो लगभग 5:45 बजे उम्मीद की जा रही है कि कंगना रनौत अंदर से बाहर आएंगी। मानी चलिए तब तक इंतजार करते हैं कि क्या कंगना आके कुछ कहती है, क्या मीडिया से मुखातिब होती है, लेकिन पूरा मामला जिस तरह से सियासी हो चला है अब उसका सियासी फायदा भी उठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन विनय कुमार सिंह जी ये सियासी फायदा उठा कौन रहा है? बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री ऐसी कुछ बात कहेंगे जो देश सुनना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बारे में यही कहूंगा कि एक लॉलीपॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस था और मराठा हित की बात करके उन्होंने एक लॉलीपॉप ही दिया है। और देखिए मुख्यमंत्री ने COVID-19 की बात कही है, मुख्यमंत्री को अपने गवर्नेंस में बात करनी चाहिए थी और ऐसा गवर्नेंस जो COVID-19 और कैंसर से भी खराब हो गया है और COVID-19 से भी खराब वायरस के रूप में प्रकट हुआ है। इस गवर्नेंस के मॉडल को मैं यही बोलूंगा हिमानी जी, ये किम जोंग मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, ये रावण मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इसलिए मैं कहता हूँ कि रावण का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था उसमें ऋषि मुनियों की हत्या होती थी, महिलाओं पर अपराध किए जाते थे, अपराध अन्याय यही कानून था। तो आप देखिए कि महिला जी ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लगता है कोई टेक्निकल इश्यू यहां पर आ रहा है क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, संपर्क शायद टूट गया है, लेकिन आकाशदीप सभी भी हमारे साथ हैं। आकाश जी मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगी खासतौर पर बीएमसी को लेकर, क्योंकि आप देखिए कि बीएमसी ने एक और नोटिस जो है वो कंगना को थमा दिया, ये लड़ाई अभी फिलहाल यहीं तो खत्म नहीं हो रही है, एक और नोटिस थमा दिया गया उस खार वाले फ्लैट को लेकर, मतलब उस पर भी अब नजर है। ये बीएमसी इतनी भेदभाव वाली क्यों है, ये इतनी पार्शल क्यों है कि किसी को ये छोड़ती है तो किसी को तोड़ देती है? देखिए वेंडेटा तो नजर आ ही रहा है इसमें, बट अब ये मुद्दा सिर्फ कंगना का नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, और चॉइस ऑफ वर्ड्स दोनों तरफ से गलत लग रही है मुझे, तो मुझे लग रहा है अब कंगना महज एक पॉन है और ये पूरा मैटर पॉलिटिकल हो गया है, जहाँ शिवसेना के ऊपर जो हर तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनमें कई जगह उन्होंने कुछ चीजों को मैं एक धीरे बता दूं। ये देखिए भीतर की तस्वीरें, राजभवन के भीतर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कंगना रनौत इस वक्त बैठी हुई हैं सामने, आप देख पा रहे हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कंगना की बहन रंगोली चंदेल, इस वक्त जो तमाम घटनाक्रम हुआ है उसे बताते हुए राज्यपाल को। अब देखना होगा बाहर निकलकर क्या मीडिया से मुखातिब होती है, क्या कुछ कहती है, उस पर हमारी नजर आएगी। जी आकाश जी आप कंप्लीट करिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ऐसा लग रहा है कि कंगना और कंगना का इशू, अब कंगना एक पॉलिटिकल मोहरा बन गई है, ठीक है, वो दोनों तरफ से यूज हो रहा है ये, क्योंकि अपने अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में, और कंगना भी बहुत हद तक साइलेंट नहीं बैठ रही, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात रखी, सुशांत के ऊपर कार्रवाई करो, CBI बुलाओ, सब तो हुआ। किसका पॉलिटिकल टूल बनी है, किसका पॉलिटिकल, मतलब किस पार्टी का, आपको क्या लग रहा है कि कौन उन्हें मोहरा बना रहा है? ऑब्वियसली बीजेपी, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज पावर में बाकी 3 लोग जो अगाड़ी में आए हैं और बैकडोर से आए हैं, ये बात तो सबको पता है। खैर पॉलिटिकल बातों में हम ज्यादा ना जाए, मेरा ये कहना है कि कंगना ने जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक सेलिब्रिटी होने के नाते जो जिगर दिखाया कि खुल के बात की, अब कहीं तो लाइन स्टॉप करे ना। अगर वो इस तरह बोलती रहेगी
और फिर पीओके, तालिबान, बाबर, बॉलीवुड माफिया ने मेरा घर तोड़ा। सिंपल सा, अब देखिए जब उन्होंने सेकंड डे दोबारा स्टेटमेंट दी, जब पहले स्टेटमेंट से आग लग गई उसमें कहा कि बाबर की आर्मी और बॉलीवुड माफिया ने मेरा घर तोड़ा। एक सबूत बता दीजिए कि बॉलीवुड माफिया ने उसका घर तोड़ा। ये तो लूज टॉक हुआ ना, फ्लो में आप ऐसी बातें कर जाते हो, फिर सामने वाले बैठ के उसको थोड़ी नॉर्मली लेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं बाउंसर के, आप डक करो या आप हुक करो। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट बाउंसर को हुक करना चाहती है, कभी हुक कर पाती है, कभी बॉल हेलमेट पे लगती है और ऐसा लगता है खामखा वो बॉल पड़े। तो यही, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैटर पॉलिटिकल हो गया है। अच्छा, ये सब कुछ जो था ये स्टार्ट हुआ सुशांत सिंह राजपूत, करेक्ट, और आज मुद्दा क्या बन गया है, कंगना रनावत। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, मामला पॉलिटिकल हो गया है, इसका माइलेज लेने की कोशिश कौन कर रहा है? फिर आपने ये कहा कि पॉलिटिकल टूल बन गई है बीजेपी का ऑब्वियसली, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं, तो फिर आप को क्या लगता है कि आप एक आम नागरिक बतौर या महाराष्ट्र में चूंकि आप भी रह रहे हैं, मुंबई में आप भी रह रहे हैं, आप वहां पर बैठकर क्या भाप पा रहे हैं या क्या लग पा रहा है? जिस तरह कैप्टन पर वो हत्या, वो जो अटैक हुआ, कड़ी निंदा करता हूँ, कभी नहीं होना चाहिए था, किसी सिटीजन पे नहीं होना चाहिए और आर्म फोर्सेस के लोगों पे तो खास करके भी। नीड टू रियली रिस्पेक्ट देम। पॉलिटिकल माइलेज कौन लेने की कोशिश कर रहा है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कौन कर रहा है? दोनों तरफ हो रहा है। ठीक है, दोनों तरफ हो रहा है एंड इट इज टिपिकल पॉलिटिक्स। और अगर कंगना हर मुद्दे पे बात करेगी, राम मंदिर का भी इशू ले आएगी। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ क्योंकि एक सेकंड, अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो तो ठीक है, आओ, आप जैसी फायर ब्रांड लीडर हमें चाहिए, पर अगर आप बतौर सिर्फ सिटीजन बनके इतना सब कुछ बोलोगी तो फिर आपको ये काउंटर अटैक मिलेगा। क्या आप ये पहली बार देख रहे हैं? बीजेपी के सत्ता में भी जब कपिल ने कुछ स्टेटमेंट दी तो अगले दिन उसका घर तोड़ा। मैं थोड़ी ये कह रहा हूँ कि सेंटर ने डायरेक्शन दिए, बट पॉलिटिकल लोग उस बात का गुस्सा निकालने तो पहुंच जाते हैं ना। ठीक है सर, अब मैं जरा जवाब ले लेती हूं। अनिल सिंह जी, पॉलिटिकल टूल बना दिया आपने, मोहरा बना दिया आपने कंगना रनौत को अपने फायदे के लिए, कंगना रनौत को यूज किया जा रहा है, उनको आगे किया जा रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं तो भारतीय जनता पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे रखूंगी, क्योंकि मैं कंगना रनौत के विषय में कुछ नहीं बोलने वाली हूं क्योंकि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं। पहली बात तो ये है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि क्यों शिवसेना बार बार इस प्रकार का मौका दे रही थी कि कंगना रनौत तो एक के बाद वो स्टेटमेंट दे पा रही थी। आपने मौका दिया, उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, अब जब वो स्टेटमेंट्स दे रही हैं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल टूल बन गई है। तो इसका मतलब जो शिवसेना की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, कुछ फिल्मी हस्तियां दे रही हैं, तो क्या वो शिवसेना के पॉलिटिकल टूल हो गए हैं? तो ये तो कोई उत्तर नहीं होता है कि अगर किसी को किसी चीज में खामी नजर आ रही है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, क्योंकि ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, राइट टू स्पीच का अधिकार है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के टूल हो गए। हम तो नहीं कह रहे हैं कि जो पैनल पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं, चाहे आपका पैनल हो या किसी और मीडिया का पैनल हो, अगर आप शिवसेना की तरफ से बोल रहे हैं कि आप शिवसेना के टूल हो गए हैं, आपका अधिकार है, बोलिए, कौन रोक रहा है आपको? परंतु बात किसने बढ़ाई? बात बढ़ाई है उद्धव ठाकरे, उनकी फौज ने। बदजुबानी क्या उनकी तरफ से कम हुई है? ये बोल रहे हैं कि कंगना रनौत को तमीज नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के साथ कैसे बात करनी चाहिए। शिवसेना का तो ये हमेशा से रहा है ना, ये बोला अनिल जी, जब आप लोगों के साथ थे तब भी तो रहते थे, तब कौन सा मिठाई के डिब्बे लेकर जाते थे और कहते थे हम आपको पीटने के लिए आए, तब भी तो यही था ना अनिल जी, तब भी तो यही ठोकशाही थी ना, जब आप लोगों के साथ थे तब भी यही था। हाँ नहीं, और जब जब इस प्रकार से देखिए, ऐसा है कि हम, मैंने जैसे कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर जब जब वहां पर महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में हमला हुआ है, तो चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, मैंने अपना जो रुख है बेहद स्पष्ट किया है। और इसीलिए मैंने जो शिवसेना के हमारे प्रवक्ता बंधु बैठे हुए हैं उन साहब, उनसे कहा था कि आज उद्धव ठाकरे जी ने मराठाओं की बात करी, अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए, परंतु पूर्वांचलियों की भी बात कर लेते, हमारे बिहार और यूपी वालों की भी जरा सी बात कर लेते। क्यों कर देते हैं आप बाहरी बनाम मराठी के, बार बार ये क्या क्या दर्शाना चाहते हैं? इसकी आड़ में आप अपनी नाकामी छिपा रहे? नहीं नहीं, देखिए, अगर मराठा की बात उद्धव ठाकरे जी करें तो फिर तो गलत है, और वही बात अगर मध्य प्रदेश में चौहान साहब करें तो बिल्कुल ठीक है।
अगर वो भूमि पुत्रों की बात करें तो वो सही है और यहाँ पे आके वो गलत हो जाती है। वो तो यही समझ नहीं आता कि बार 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 शिवसेना के एक एक पॉइंट को, हर एक एक पॉइंट को ढूंढा जा रहा है। यहाँ पे जो पिन है वो भी तलवार की तरह नजर आ रही है बार बार, इनको यही सर क्यों नहीं किया जाएगा अगर परिस्थितियां इस तरह की हो रखी हैं, परिस्थितियां इस तरह से बनी हुई हैं। और आपने 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 मेजर जनरल की बात भी सुनी थी ना आपने ब्रेक से पहले, तो मैं चाहूंगी कि उनकी बात का भी जवाब दें। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाह रही हूं कि क्यों नहीं कहेंगे सरकार पर तो सवाल उठेंगे ही ना, आपकी जो सक्षम पुलिस है उस पर भी सवाल उठेंगे ही ना, जिसको आप बार बार कहते हैं सक्षम सक्षम सक्षम, जिसने इसको पहले दिन ही कह दिया था भैया ये सुसाइड का मामला है, पहले दिन ही कह दिया था कि भैया डिप्रेस्ड है सुशांत, तो ठीक है ना, ड्रग एंगल तक तो आप पहुंचे ही नहीं थे। शिवसेना हमेशा राष्ट्रभक्ति और हाँ सर वो तो दिख रही है, वो तो दिख रही है सर, राष्ट्रभक्ति आपकी किस तरह की है कि जो देश के लिए अपनी पूरी जान न्योछावर कर देते हैं, जिंदगी न्योछावर कर देते हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। और एक फौजी का दर्द न केवल आपने यहाँ सुना बल्कि पैनल पे भी सुना, पैनल पे भी सुना कि क्या ये हश्र करेंगे आप रिटायर होने के बाद। देखिए कुछ ऐसे तत्व हर पार्टी में होते हैं इस प्रकार से, जो अपनी भावनाओं पे संयम नहीं रख पाते और इस प्रकार की गतिविधियां कर देते हैं जिससे पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और मेजर जनरल साहब सिन्हा साहब ने जो कहा कि मैं इस प्रकार से मुझे ठेस लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा बाला साहब ठाकरे का, उन्होंने बताया और बाला साहब ठाकरे जी के बारे में भी बोला। और उन्होंने, मैं यही कहना चाहूंगा कि शिवसेना बिल्कुल देश के प्रति समर्पित है और इन ऐसे जो भी इसी तरह मेजर जनरल कुछ कहना चाह रहे हैं, मेजर जनरल आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी तरह से समर्पित है ना, इसी तरह से लाठी बजाएंगे आप, आंख फोड़ देंगे, नाक तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, मेजर जनरल साहब कुछ कह रहे हैं मेजर जनरल। मैडम मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने हिंदुत्व को कोट करना चाहता हूं जिसके बहुत बड़े सपोर्टर बाला साहब ठाकरे हिंदू सम्राट थे। देखिए मुझे ताज्जुब लगता है कि राजतंत्र में भगवान राम एक धोबी के कहने पे सीता मैया का त्याग कर दिए, ये था टॉलरेंस लेवल। और वो राजतंत्र था, उसमें प्रजा का कोई रोल नहीं होता था। अब प्रजातंत्र में प्रजा सुरक्षित नहीं है, राजतंत्र में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम धोबी की बात सुने, उसको अटैक नहीं किया, हुए मिनटों में उसको उठा सकते थे। लेकिन प्रजातंत्र में जब प्रजा को सुरक्षा देना प्रजातंत्र सरकार को चुनती है, वहां एक सैनिक एक फौजी अफसर के साथ ये सलूक किया जाता है, तो ये क्या सिस्टम है? प्रजातंत्र में प्रजा सुरक्षित नहीं है, राजतंत्र में प्रजा सुरक्षित थी, धोबी का सम्मान होता था, आज फौजियों का सम्मान नहीं हो रहा है, ये क्या टॉलरेंस लेवल है? इतनी निरंकुश कानून को क्या शिवसेना राजपूत साहब, इतनी निरंकुश क्यों हो चुकी है शिवसेना? ये जो सत्ता की ये जो हनक है ये तानाशाही में तब्दील हो चुकी है। नहीं हिमानी जी, इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। और संजय राव जी ने साफ कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने भी ये कार्यवाही करी है, आम नागरिक को ना, जो भी लोग थे, जो भी लोग हैं, उनको तो बख्श दिया सर आपने, उनको तो बख्श दिया, जेल तक भी नहीं जाने दिया, थाने से छूट कैसे गए? इतनी हल्की धाराएं लगाई, इतनी हल्की धाराएं लगाई, छूट कैसे गए? थाने से ही निकल गए वो, ये करेंगे आप, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? मतलब कल को आप आकाशदीप के घर पे पहुंच जाएंगे, उनका घर तोड़ देंगे या उन पर लाठी बरसाने लगेंगे? शुक्र है कि मैं मुंबई में नहीं रहती हूँ, वरना मेरे भी घर पहुंच जाते हैं आपके भैया। कह कैसे दिया आपने? मैं राजपूत जी को कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी जी, देखिए राजपूत जी, क्या है, गलतियां दोनों तरफ से हुई है। अगर आप अपने आप को क्लीन चिट दोगे तो पूरी मतलब देश सुन रहा है यार, वो नहीं मानेगा। अगर कुछ चीजें बोलने से पहले अवॉइड कर सकते थे तो स्टेट वर्सेस कंगना का मुद्दा ना खड़ा होता। कंगना ने भी चॉइस ऑफ वर्ड्स रॉन्ग यूज किए। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, अगर रिया अर्निक जी किसी ने इंटरव्यू ली होती, अब रिया का इमेज और माहौल इतना खराब है, अगर रिया ने कहा होता कि ये कोविड के दिनों में मेरे से कोई 3 फीट का डिस्टेंस भी नहीं रखता, सारे बाइक घुसने आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, सिग्नल पे गाड़ी रुकती है वहां ऐसे घुस जाते हैं, ये कोई पीओके है, ये कोई तालिबान है, थोड़ा समय की कमी है। जी जी जी, वहां नहीं जाते, थोड़ा समय की कमी है। लेकिन राजपूत जी, बात सही है, आप ऐसी परिस्थितियां आने नहीं देते ना, आप कह रहे हो वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। अरे तो ऐसी नौबत आने ही नहीं देते। आप उधर कह रहे हो रक्षा मंत्री वहां पर फोन कर देते, ऐसी नौबत आने ही नहीं देते ना। आप अपने लेवल पर ही अगर सब कुछ सेट कर लेते, कंट्रोल कर लेते तो ऐसी नौबत आती नहीं। माफ कीजिए, बस इतना ही समय मेरे पास था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जी हिंदुस्तान का ऐप कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी।